मुझे बड़े दुख के साथ, दिली अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शोएब मलिक आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 नहीं खेल रहे। चार ऐसे लोग जिम्मेदार हैं जिनकी वजह से शोएब मलिक पाकिस्तान को खिदमात नहीं दे पा रहे। पाकिस्तान को शोएब मलिक को खोना पड़ रहा है। उन चार लोगों के नाम मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पहले आपसे रिकमेंड कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल के बटन कभी दबाइएगा, लाइक भी कीजिएगा। चलिए इन चार लोगों के नाम जानते हैं। शोएब मलिक वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेल रहे, चार लोग जिम्मेदार हैं, जिनमें पहले नंबर पर नाम शोएब मलिक खुद का आता है। शोएब मलिक खुद वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे, वो इस वजह से कि शोएब मलिक ने बयान दिए थे मिसबाह के खिलाफ कि वाइड बॉल का अलग कोच होना चाहिए। जब ये आप एक टीम मेंबर होते हैं, आप मुल्क के लिए खेलना चाह रहे होते हैं, तो ऐसे में जो कोच होता है उसके खिलाफ अगर आप बयान देंगे तो फिर वो आपको कैसे खिलाएगा। तो शोएब मलिक ने भी थोड़ी ज़ुबान अपनी खोल दी थी, उस बिना के ऊपर भी शोएब मलिक को बाहर होना पड़ रहा है। पहली गलती तो हो गई शोएब मलिक की, खुद की अपनी। नंबर टू, अब आते हैं मिसबाह उलहक जो हैं, अब उसी अना के चक्कर में भी शोएब मलिक को नहीं लेना चाहते। वो शोएब मलिक के खिलाफ हैं। सिलेक्शन कमेटी मोहम्मद वसीम चाहते हैं कि शोएब मलिक शामिल हों, लेकिन मिसबाह उलहक इनकार कर रहे हैं, वो शोएब मलिक के अब खिलाफ हो चुके हैं। तो इस बिना के ऊपर मिसबाह उलहक शोएब मलिक को ना खिलाने की दूसरी बड़ी वजह है जो कि पाकिस्तान का नुकसान है। अगर शोएब ने कोई ऐसे अल्फाज कह भी दिए हैं जो कि शायद दुरुस्त भी कहे थे कि वाइड बॉल का नया कोच होना चाहिए, अल्फाज तो दुरुस्त थे, तो मिसबाह को ये अल्फाज बर्दाश्त कर लेने चाहिए थे, पाकिस्तान की खातिर तो खिला देना चाहिए था। नंबर तीन पर नाम आता है वक़ार यूनुस का, जो सीनियर्स का दुश्मन है, जिसने शाहिद अफरीदी को बाहर किया, जिसने शोएब अख्तर को बाहर किया, जिसने अब्दुल रज़ाक को बाहर किया, जिसने मोहम्मद यूसुफ को बाहर किया, जिसने उमर अकमल को बाहर किया, जिसने अहमद शहजाद को बाहर किया। वक़ार यूनुस एक बर्बाद कोच है, इसने बड़े बड़े नाम बाहर कर दिए। तो ऐसे में चूँकि वक़ार यूनुस भी शोएब मलिक को नहीं चाहते होंगे, वो भी सीनियर्स के दुश्मन है। और नंबर चार पर नाम आता है जो कि पीसीबी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। लोग खुश हैं कि क्रिकेट बेहतर होगी। जी बिल्कुल, क्रिकेट बेहतर हो सकती है, लेकिन वो सीनियर्स के दुश्मन है मीज राजा। तो इस मामले में काम खतरनाक भी है, आपको सीनियर्स को खोना पड़ सकता है, सीनियर्स की इज्जत खटाई में पड़ सकती है। तो ऐसे में रमीज राजा भी आपको पता है शोएब मलिक के खिलाफ हैं, तो अब शोएब मलिक कैसे आ सकते हैं? तो आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।